हेलो दोस्तों, मैं privatejobs.com की एक और काफी शानदार जॉब रिलेटेड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो जॉब अपडेट है वो सीधा निकल के आ रही है HCL रिक्रूटमेंट 2023 की, जो करंटली हायरिंग कर रहा है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब रोल पर। जानेंगे इस वीडियो में इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या रहने वाला है इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रहेगा आपका वर्क प्रोफाइल। जानेंगे कि HCL में अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका आप फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे, और फाइनली जानेंगे कि HCL में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम आपको इसी तरह रेगुलर जॉब अपडेट्स देते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के अब जानते हैं इस जॉब वैकेंसी के बारे में। तो HCL की ऑफ कैंपस ड्राइव 2023 की ये कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें कि जॉब रोल आपका रहने वाला है एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन BE, BTEC, MTEC या किसी भी डिग्री में कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड जो जॉब रोल रहने वाला है वो होगा ग्रेजुएट ट्रेनिंग का, जिसको कि अगर आपने अपना BA, BBA, BCOM, BCA, BSc, BPharma कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसे 2021, 2022 और 2023 के बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका इसमें अक्रॉस इंडिया रह सकता है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज येट टू कम, सो मेक श्योर यू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अब जान लेते हैं कि HCL में रहकर आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है। तो जैसे ही आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी बनेंगे, आप एक डायनेमिक टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जहां डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है और न्यू आइडियाज को एक प्रोत्साहन मिलता है। आपको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज के साथ प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिलेगा, और प्रोफेशनल्स की गाइडेंस के अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने की चांसेस रहेंगे। आपको एक क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा और क्लाइंट्स के लिए इनोवेशन और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने रहेंगे। तो ये था इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनी की जॉब रोल के बारे में। अब जान लेते हैं ग्रेजुएट ट्रेनी की जॉब रोल के बारे में। तो अगर आप HCL में एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपॉइंट हो जाते हैं, आपको फाइनेंस, HR, टेक प्रोजेक्ट्स और कंपाइलेंस जैसे डिफरेंट फील्ड्स में अपना प्रोफेशनल सर्विसेज देने को मौका मिलेगा। HCL टेक को यकीन है कि आप इसे इंस्पायर कर पाएंगे और भी अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक हाई प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने का मौका मिल पाएगा। बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर डेवलपमेंट करना और उनके कलीग्स के साथ और अपने सीनियर्स को भी असिस्ट करना रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि HCL में आपको अगर अप्लाई करना है तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप सीधा माय प्राइवेट जॉब्स के वेबसाइट पेज पे लैंड कर जाएंगे, जहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको मिल जाएगा ये क्लिक हियर का बटन। इस पर क्लिक करते ही आप अपनी मन चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ट्रेनी या फिर वो ग्रेजुएट ट्रेनी, इन दोनों ही फॉर्म के लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे कुछ सिंपल डिटेल्स फिल करके। तो अब जानते हैं कि HCL में रहकर आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले myprivatejobs.com में आपको सभी गवर्नमेंट जॉब, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, स्टार्टअप जॉब्स, बैंक जॉब्स, वॉक इन ड्राइव, IT जॉब और भी कई सारी अन्य जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आती रहती है, जो कि इंटरनेट पे ही शायद कुछ ही जगह में है, और उसमें से माई प्राइवेट जॉब एक काफ़ी बेटर और सबसे रिलायबल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए। अगर आप वेबसाइट पे बार बार नहीं आ सकते तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सीधा myprivatejobs.com पे आए और फटाक से इसको अप्लाई करें ताकि आपसे कोई भी अच्छी जॉब मिस ना हो जाए कहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनको भी तो भला होना चाहिए भाई। हाँ, तो अगर आप HCL में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अपॉइंट हो जाते हैं तब इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो होगी 4 लाख पर एनम की, और वहीं पर अगर आप एक ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में अपॉइंट होते हैं तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 3.5 लाख पर एनम की। तो यही रहा इस वीडियो में अभी तक के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइबिंग। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।